बड़ा बाजार से बाएं अंदर आने के बाद बड़ा गांव गेट कृषि 1008 अक्षय मुखी संकट मोचन हनुमान का मंदिर। ये बगल में पुलिस चौकी, वास्तव में गेटों का शहर है ये पुलिस चौकी। दक्षिण मुखी हनुमान जी का एक बहुत ही सिद्ध मंदिर है ऐसा लगता है। ये बड़ा गांव गेट निकलने वाला रास्ता, मैं अंदर हूँ हनुमान जी के दर्शन। प्राचीन बरुआ हनुमान जी जिसकी 1008 श्री राम मंदिर मंदिर की जैसे लाइन लगे हुए हैं, छोटी छोटी गलियों के बाद से चलते हुए जब जहाँ भी मन हुआ वहाँ बाहें लगा लिया हर रूप से। कदम कदम पे मांगे गणपति कॉलोनी ये भी एक सीनिक ब्यूटी है। आगे रोड बड़ा गांव गेट बाहर का मतलब बड़ा गांव की तरफ चली जाएगी सीधे, एक मंदिर और आगे है कुछ कदम आगे। और किडनी रोग का सफल इलाज, ऐतिहासिक मंदिर जर्जर अवस्था में इंक्रोचमेंट किया हुआ लगता है। मेन मार्केट बड़ा गांव के बाहर के बाद स्थान प्रसिद्ध जगह है। वैसे हाल के अभाव में जर्जर पूरी बिल्डिंग कमरों में ताले लगे हुए ऐतिहासिक स्थल। नमाज अदा करते हुए देखे ऐतिहासिक स्थान में मना ही कही जाएगी। देखिए कुआं विशाल कुआं पानी तो नहीं दिख रहा है इसमें। ये नंदी भगवान शिवलिंग तो निश्चित है ये हिंदू स्थान रहा होगा लेकिन कुछ विवादित है ऐसा लगता है।
पट बंद, अभी इसके एक परिक्रमा लगा लेते हैं। चलिए देखिए नमाज अदा करते हुए देखिए शिवलिंग 1 2 3 4 चतुर्मुखी नंदी बागवा यादव से साहित्य देखते हुए। ये कोई आकृति सोई हुई है, कौन है? बामन भगवान हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है। बहुत ही सिद्ध स्थान। श्री शिवाय नमस्ते देम, श्री शिवाय नमस्ते देम, इसका भी जीर्णोद्धार होना चाहिए। क्यों नहीं योगी सरकार इन सब की तरफ देख रही है? वास्तव में ये सब धरोहर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, देखने वाला नहीं रहेगा। मज़े से नमाज अदा की जा रही है। हनुमान जी का मंदिर, हनुमते नमः, हनुमान सीताराम, जय बजरंगबली, जय बाबा। देखिए अभी भी नमाज अदा करते हुए और बिल्कुल हनुमान सीताराम, हनुमते नमः, हनुमान सीताराम। परिक्रमा लगाते हुए उनको प्रति दर्द कराते हुए ऐसा लगता है जैसे भारत हिंदू देश में हिंदू बिल्कुल अगर रोजी रोटी के लिए सड़क पे दुकान लगाया होता तो नगर निगम उसको उखाड़ फेंकते और ईमानदारी की कमाई नहीं खाने देते। लेकिन ये वर्मा कंपाउंड के ठीक बगल में, हरिमोहन कंपाउंड वर्मा कॉलोनी के बगल में, जो कि एक तरह से मुझे तो ऐसा लगता है पूरी तरह से विवादित जगह, बहुत ही भव्य स्थान, इसका जीर्णोद्धार करा दिया जाए तो बहुत ही गजब का बनेगा। ये सब मेन रोड पड़ागांव चौकी की तरफ जाते हुए